हरियाणा में नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में सबसे पहले हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता चौधरी निर्मल सिंह ने आज अंबाला से मेयर जो प्रत्याशी हैं उनका ऐलान कर दिया। खुद निर्मल सिंह जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, क्या कारण है कि अभी जो है वो चुनावों की डेट जो है वो भी तय नहीं हुई और सबसे पहले मेयर प्रत्याशी जो है वो आपने घोषित कर दिया? कारण तो कोई नहीं सर, बल्कि तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमारे में, इसलिए जी जल्दी उम्मीदवार उतारना चाहिए। यानी तैयारियां जो हैं वो अभी से मुकम्मल हो जाएंगी? डेफिनेटली हाँ, अभी हम तैयार हैं। जिस दिन से ये कॉरपोरेशन का फैसला हमारे साथियों ने किया था कि मोर्चा ये चुनाव लड़ेगा, हम उस दिन से ही काम में लगे। किन मुद्दों को लेकर जो है वो पार्टी फिलहाल जो है वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए मुद्दे, बात यह है कि जो जिन मुद्दों को लेकर तो मोर्चा भी बना है, बट जो शहर का मुद्दा है, अम्बाड़ा जो हिस्टोरिकल शहर है और थिक है, प्लांट नहीं है, यहाँ बहुत समस्याएं हैं। ड्रेनेज की है, सफाई है, हैं जी, और बहुत सी इस तरह की हैं, बिजली पानी की समस्या, ड्रिंकिंग वाटर की है, हैं जी, जो हमारे पास। अब ये कहना कि हम ज़मीन से निकाल के पानी पिएंगे या सिंचाई करेंगे, वह बात अब तो नहीं जस्ती। और हरियाणा में जहाँ पर सभी नदी नाले यहाँ से होकर गुजरते हैं, सभी नहरें, क्योंकि हम पहाड़ की तलहटी में हैं और ऐसे ही हमारा फ्लड भी नुकसान करके बह जाता है, सूखे में सूखा और फ्लड में फ्लड, फ्लड आता है तेज़ी से नुकसान करके चला जाता है। और नहरी पानी में हमारा हिस्सा बहुत कम है, एकमात्र जो है नग्गल इरिगेशन लिफ्ट स्कीम थी जिसकी कैपेसिटी 164 क्यूसेस है और उसने कभी भी 65 क्यूसेस से फालतू पानी नहीं उठाया। जब मैं पब्लिक हेल्थ का वजीर था तब मैंने ये बातें सोची थी और ये प्लान बनाए थे कि अपने शहरों को मैं नहरी पानी दूंगा, जिसमें कैंट और सिटी थे, पानी जुड़ गया, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है दोनों शहरों में ही। इसी तरह अम्बाड़ा कैंट के लिए भी हमने जो मैंने पहले मंजूर करा 12 क्यूसेस पानी, जो अब पाइपों से हुआ है, पहले ये इसी माइनर से था, नगल लिफ्ट इरीगेशन स्कीम से था और उसके कौला से अगर से आगे आके इसका बनना था तालाब, तो फौजियों से हमारा शेर पर झगड़ा हो गया और फिर ये पेंडिंग हो गया। तब बंसीलाल सरकार में हमने फिर उनसे कह सुन के डायरेक्ट पाइपलाइन यहाँ से लेके आए थे। इसी तरह नहरी पानी के लिए हम नरवी मंसूरपुर जो है ना, मंसूरपुर लिफ्ट इरीगेशन के लिए लड़े थे और 27 क्यूसिस की वो नहर मंजूर है, अब उसमें पानी शायद अब आएगा, तो वो भी हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए थे और वो नहर संभव हुई थी। इसी तरह हम जो है पीने के पानी के लिए इसमें जो है दत्तपुर नलवी के लिए लड़े थे, क्योंकि ये डार्क जोन में आ चुके हैं, वो सब मुद्दे इस किस्म के थे जिनसे हमारा शहर भी जुड़ा है, है नी? सो और भी बहुत से मुद्दे हैं, यानी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वही एक मेजर मुद्दा है। हाँ, कॉरपोरेशन में जैसे आपके साथियों ने उठाई बात कि करप्शन का है, तो हमारी मेयर देखेगी चीज़ों को और काबू रखेगी इन सब चीज़ों पर। जो MC के जो चुनाव होंगे उसके भी जो है वो प्रत्याशी आप कब तक डिक्लेयर करें? जल्दी करेंगे हम। हाँ जी, हमने कमेटियाँ बना दी हैं, हर वार्ड वार्ड पर बना दी हैं और वार्डों से जो सिफारिशें आएंगी हमारे साथियों की, उनके लिए कमेटी आज अनाउंस कर दी आपके सम्मेलन में। इसमें पिछली बार जब आप चुनाव लड़े तो बहुत सी पार्टियों ने जो है वो सहयोग किया था। हाँ जी, इस बार भी जो है कुछ ऐसा होने वाला है? आशा है सब हमारी मदद करेंगे। कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिनसे टच में हैं आप? देखिए, टच में तो हम हर आदमी से हैं जो हमारे पैसे पीछे पे हमारे साथ था, चाहे वो अकाली हैं, चाहे NLO है, अब दुष्यंत तो पार्ट बन गया है सरकार का, और इसी तरह एक बहुजन समाज पार्टी है, हम सबसे टच में हैं और आशा है हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। बहुत सी चर्चाएं हैं कि निर्मल सिंह को जो है वो कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है, निर्मल सिंह की मीटिंग हो चुकी है राहुल गांधी से, तो ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस में वापसी हो जाए? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। संभावनाएं हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं हमें पता, अभी तो मैं कांग्रेस से ही आया हूँ, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी पार्टी से जो है वो टाई अप होता है तो ऐसे में जो है वो मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं हमारे ही रहेंगे, ये तय है? मेयर तो हमारा रहेगा, संभावनाएं हैं, ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन मेयर का तो हमने फिर फैसला करना से जल्दी, सो इस पर तो हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी और बहुत तरीके हैं, मेंबर हैं और जिला परिषद है और इलाकों में भी तो कॉरपोरेशन हैं, वहाँ से हम उनकी मदद कर देंगे
सिटी कैंट में तो उम्मीदवार हमारा ही होगा। यानी ये तय है कि उम्मीदवार जो है वो हमारा होगा सिटी और कैंट में। अमीषा चावला जो है वो हमारे साथ हैं, आप पहले भी जो है वो पार्षद रही, क्या लगता है शहर के कोई ऐसे बड़े मुद्दे बताओ जिसको लेकर जो है आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए ये एक शहर का इलेक्शन है और इसमें कोई इतने बड़े मुद्दों को हमें उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों की अगर छोटी छोटी दिक्कतें ही दूर कर दें तो उनमें उनको ज़्यादा खुशी होगी। और मुझे इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे साथ जैसे सबको पता है कि चौधरी निर्मल सिंह से बड़ा कोई लीडर नहीं है अम्बाला में, ना पुराना ना उनसे बड़ा, तो जब उनका साथ मेरे साथ है तो मुझे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और हम भली भांति, मेरी छोटी बहन चित्रा चौधरी साहब, हमें सब जो इलाके की दिक्कतें परेशानियां हैं लोगों को, हम उससे भली भांति अवगत हैं। तो आप देखिए, टाइम आने दीजिए, फिर आपको हमारी वर्किंग दिखेगी और पता चलेगा। चलिए चित्रा जी, आप जो है वो महिला हैं और इस बार जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रही है मेयर पद, क्या क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है वो हम इस बार फील्ड में जाएंगे, कैसे आगे लेकर जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो मेरी तरफ से हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से हमारी प्रत्याशी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिस तरह से इन्होंने अपनी पहली लॉन्च करी है, जिस तरह से इन्होंने सबको हैंडल सवालों को कराया, तो मैंने यही कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इलेक्शन और हमें पूरा भरोसा है ये बहुत एक दमदार जो है हमारी कैंडिडेट प्रूव होंगी। और सिर्फ इलेक्शन में नहीं, उसके बाद भी जो भी दायित्व इन्हें मिलेगा बहुत खूबसूरत से अमीषा जी उसे निभाएंगी। और जो ये जो सर्कुलेशन में या जिस तरह से रिजर्वेशन के तहत महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम समझते हैं ये बहुत अच्छी बात है। और चेयर जो हमारा यहाँ पे मेयर पद के लिए जो हमारे यहाँ पे एक महिला आएंगी, तो आई एम श्योर जैसे पंचकुला की मेयर भी पहले महिला रही हैं, मैं उन्हें जानती थी, तो महिलाएँ एक अलग तरह की सेंसिबिलिटी और एक तरह की एम्पथी जो है अपने जॉब पर लेके आती हैं। वो जैसा कि अमीषा जी ने कहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम उसको जो है लोगों को सहूलियत देंगे, एंड पहले पार्षद रह चुकी हैं, उन्हें पूरा सिस्टम पता है, सारी ज़रूरतें पता हैं, एंड हमें विश्वास है कि ना केवल चुनाव वो लोगों का दिल भी जीतेंगी इसके बाद। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ चित्रा सरवारा और हमने बातचीत की निर्मल सिंह से, साथ ही अमीषा से, जिन्होंने पूरा विश्वास जताया कि किस तरीके से जो है ये मेयर का जो चुनाव है वो लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये सामने आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने एंड्रॉयड ऐप से हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए ताकि हम आपको अम्बाला की हर अपडेट देते रहें।